उसके छिलकों से मैंने दाल और सब्जी तो बनाई थी, अब इस बार मैं इन्हीं छिलकों का इस्तेमाल करके दो नाश्ते की आइटम बना रही हूँ, जिसे आप शाम के समय भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम चने की दाल को भिगोया था, उसे मिक्सी में डाला, फिर 100 ग्राम ही कटे हुए तरबूज के छिलके डाले हैं, 3 हरी मिर्च, 25 ग्राम अदरक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और आधा कप खट्टा दही डालकर इन सबको पीस लेना है। बैटर कुछ इस तरह से हल्का दरदरा होना चाहिए। पीसते समय पानी नहीं डालना है, क्योंकि बैटर पतला होगा तो ढोकला बनाने में मुश्किल होगी। इसे 1 घंटे के लिए रख देना है। अब एक थाली को तेल से चिकना कर लेना है। हम एक कढ़ाई में गर्म पानी करके स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर ये थाली रखेंगे। अब इधर बैटर में हम 1 पैकेट लीनो डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसे थाली में फैला देंगे। फिर ढक्कन लगाकर इसे स्टीम होने के लिए रखेंगे। दस से 12 मिनट बाद आप इसे चेक करिएगा। अगर चाकू इसे क्लीन निकले तो इसका मतलब ये पक गया है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून घी या तेल लेंगे, उसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। और उसकी चटकने के बाद कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर हरी मिर्च डालकर फ्राई कर लेंगे। और फिर तैयार ढोकला पर फैला देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे और पीसेस काट लेंगे। तो तैयार है ये हमारा एक हेल्दी ढोकला। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अब हम दूसरे नाश्ते के लिए तरबूज के छिलकों को मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब एक बाउल में 1 कप सूजी, 1 कप ग्रेट किया हुआ छिलका, 1 कप फेंटा हुआ दही, 25 ग्राम कटा हरा धनिया, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च और नमक डालकर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अगर जरूरत लगे तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल दीजिए। बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए। फिर इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए ताकि सूजी फूल जाए। उसके बाद हमें तवा को गरम करना है और एक चम्मच की सहायता से इसे गोल फैला लेना है। पतला या मोटा यह आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे और हल्की सी लाल मिर्च बुरका लेंगे और उसके बाद चारों तरफ घी या तेल डालेंगे। जब ये सिक जाए तो इसे सावधानी से पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से घी लगाकर मध्यम आंच पर सेक लेना है।
ये चिल्ला खाने में बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्वाद बनता है। इसी प्रकार से हम दूसरा चिल्ला भी ऐसे ही तवे पर फैलाकर प्याज डालकर लाल मिर्च भुनकर घी डालकर सेक लेंगे। ये दोनों आइटम आप नाश्ते में खा सकते हैं और अगर आपका मन करे तो आप शाम की चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी इसे दे सकते हैं। तो तैयार ही ये हमारी सिंपल रेसिपी एक ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ जिन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं। इन चिल्लों को हम सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये सब रेसिपीज पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।